मैं भी बस यही सीखा कि बच्चों की खुशी तो बाद के कोई चीज नहीं होती। मैं सारी अपना लिए तैयार हूं। तुसी बस अपनी तीरी विदाई की तैयारी करो। हुन सब गलत सही करने का टाइम आ गया, नई शुरुआत करने का टाइम आ गया। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कितने? तू ना सच सफर के हरली ना फोटो कितना खिंचवा सकता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना सोना बन के ना तेनू वेखन का हक सिर्फ ते सिर्फ सरगुण जी का है। तू इतना सोना बन के हरली दे फोटो कितना खिंचवा सकता है? कि सोचेंगे कि सरगुण जी तेरे बारे कभी सोचा है? जिंदगी च ना तू पहली बार टाइम पे फोन किया। अच्छा मेरी गल सुन, मैं भाई जी बधाइयां। ओए चुप कर ओए, इतने वैसे मैं टेंशन नाल पागल हो रहा, उत्ते ते तू कादियां बधाइयां दे रहा है। ओहो भाई जी, हुण तां भरजाई जी घरे वापस आ गए, हुण कादी टेंशन है? ओए मोटी बुद्धि, अद्धी जानकारी लैके ना वो दिमाग दा ढोल ना वजा। ओए मम्मी सरगुण जी ने नूं बना के नहीं लैके आए, जब तक मेरा ब्याह नहीं हो जाता ना बस तद तक मेरी गल ही सुन रहा। अच्छा अच्छा दसो हुण दसो। मम्मी ने ना एक फोटो शूट अरेंज कराया मेरा ते हरलीन दा, वो भी सरगुण जी दे सामने। ते मैं सोच रहा कि तेरी भाभी नूं मैनू ते हरलीन नूं कठिया वेख के यहो जहा लगेगा यार। मेरा ना मेरा दिमाग नहीं चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आइडिया दे यार तू। ओहो भाई जी तुसी टेंशन का तो लेने हो, मेरे को एक आइडिया हैगा। ओए सरगुण भरजाई जी गुस्से च लाल हो जाने चाहिए ने। ओए कमले तू पागल तो नहीं हो गया है? मैं इतने सरगुण जी के दुख ना पहुंचाने की गल कर रहा, तो तू उन्होंने दुख देना चाहता है? एक मिनट मैं गल दस, तू कि पार्टी तो नहीं बदल ली? हरलीन भजा देगी राइट? आहो हुण समझे तुसी, इसलिए मेरी मन्नो भाभी जी दे सामने ना हरलीन दे नाल जिन्ना खुश दिखण दी एक्टिंग कर सकदे हो करो। सरगुण भरजाई जी अंदरों अंदर ही जलन होगी, हो सकता है थोड़ा व्याह आपे तड़वा देना हो। आहो यार आहो छी गल का, तू ना तू मेरे दुनिया तो सब तो सच्चा भरा तू ही है यार, और कोई नहीं है। अच्छा चल मैंने ना उन्होंने तैयार करने, मैंने बचा दे, तू फोन रख यार। राजीव पप्पी सिंह इज कमिंग हाजिर। लो जी भावे होए कोई फिल्मा दा स्टार ते भावे होए कोई मेरा यार ते भावे होए कोई आम ते भावे होए कोई खास, सब दा प्री वेडिंग शूट कीता है पप्पी सिंह ने। आओ आओ पप्पी जी, तुहाडा इंतजार सी। लो जी इंतजार ते हुण मैं एक स्किट नहीं करना, जेहदा फोटो शूट आ ओह वही इत्थे रहे, बाकी खिलर खुलर जा, चलो 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 फील्ड खाली कर दो। सरगुण वैसे ना तेरे घर वाले तो दिमाग ही खराब ही है, एडी सोहनी घर वाली छड़ के आ केड़ी कार्टून जी ते मगर पिया। चुप कर साथा पुलिया ना कर। बस हुण तू ना अज वेख दी जा, अज कितना मजा आने वाला है। इस पप्पी सिंह का की करा मैं? हो पप्पी गलाएगा।
सरगुण वैसे मैंने एक गल नहीं समझ आ रही, तू युवराज की दुल्हन है, तू अज बिना तैयारी खड़ी है। सरगुण ते युवराज का फोटो शूट है के युवराज ते आ मैडम, चलो जेड़ा भी नाम है। पत्थर साहब मैनू ये पप्पी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ओ कोई भी नहीं है, मैं हरलीन हाँ, मेरा ते युवराज का ही फोटो शूट है। और जिथे कुछ गलत जहां डे आवे ना उत्थे इदां दा कुछ हो ही जांदा। वैसे ना मेनू कैमरे दी ना लेंज दी सोह लगे, जोड़ी सरगुण ते युवराज दी सोहनी लगदी है। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਟਿਟੈਨਿਕ ਵਾਲਾ ਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਹਮ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਓ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਪੋਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਵੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੇਪ ਜਾਂ ਗੂੰਦੀ ਐਡ ਥੋੜਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਿਪਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਚਿਪਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਓ ਹੋ ਹਰਲੀਨ, ਤੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਬਸ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਚ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੂਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਲੀਨ ਮੇਰੀ ਕੁਈਨ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆ। ਸਰਗੁਣ ਇਹ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹਰਲੀਨ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? वेरी गुड यूवी, वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहे तू, लगता है असर होना ना हुण शुरू हो गया। ओए मैनू तो चलन दी पोह भी आनी शुरू हो गई है। हरलीन हुण तू पूरी दुनिया भुल के ना मेरी अखा चखा पा के अपनी दुनिया लभन की कोशिश कर। हरलीन आपा एक दूजे की अखा की दुनिया च ना खो जाइए। आशा मैं थोड़े ना बाद गल करती हाँ। इतने तो जोर शोर विह दियां तैयारियां चल रही ने। नहीं
ऐसा नहीं हो सकता। मैनू बीबी जी नाल गल करके उन्होंने विआह रोकने लिए मनाना चाहिए। जो चंद्रा भैन जी सानवी से समर का प्यार समझ सकते हैं तो बीबी जी तो उन्होंने नालों वध समझदार ने। आशा सत श्री अकाल बीबी जी। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। ओ पप्पी सिंह अपना सामान इकट्ठा कर निकल जा इथों। ऐदे माहौल खराब होने वाला। बीबी जी मैं तुहाडे अगे एक बेनती करन आई हां। ए सिर्फ एक बेनती नहीं है, एक मां दे दिल दा दर्द है। मैं तेरे नाल अज फजूल बहस नहीं करनी, ना ही मेरा मूड है। बड़े टाइम बाद अज मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है, इस करके चुप चाप अपनी गल बोल, वो भी साफ साफ, ते दफा हो जाए इथों। ये विआह रोक लो बीबी जी, बच्चियां नूं वख ना होण दो। सब ना करो, मेरी धी बर्बाद हो जाएगी। नाले युवराज भी तो इतना खुश नहीं रहेगा ना। मम्मी जी हुन बहुत हो गया, हुन प्लीज तुसी इत्थों ली जाओ, इत्थे तुहाडी गल कोई नहीं समझेगा। प्लीज चले जाओ इत्थों दी। होगी तेरी तसल्ली आशा, आज तेरी धी ने पहली बार कोई अकल दी गल कीती है। चल जा अपने घर जा, क्योंकि तेरे इन अथरुआ का ना किसे तेरी कोई असर नहीं होना, समझी। मम्मी जी मैं तुहाडे नाल चलदा। मम्मी जी मेरी गल तां सुनो, मैं तैनूं घर छड्ड देना। तैनूं मैं किद्दां ना कर सकनी आ, मम्मी जी जो कुछ भी हुंदा ना रब की मर्जी नाल होंदा है, उहदे पिछे ना जरूर कोई कारण छिपिया होंदा है। ते रब जी कदे भी किसी नाल माड़ा नहीं होन दिंदे। अज रब जी ते करके भावे दो दिन लई सही, पर सरगुण जी इस घर च तां है, ते जे रब ने चाहिया ना ते सरगुण जी मेरी वोटी बन के रहणगे। मम्मी जी सरगुण जी ते मैं भावे कट्ठे रहिए ना रहिए, पर मैं हमेशा तुहाडे नाल रहांगा। आओ चलिए।
सब की चल रहा है, की नवा तमाशा है? नवा तमाशा नहीं युवराज, मैं तो नवी शुरुआत करन आई हूं। आंटी जी, ए मेरे ते युवराज के ब्याह दा इनविटेशन कार्ड है। तुसे सारे ने ना जरूर आना है। थप्पड़ मारिया सी ना मेनू, ओदा जवाब ता तेनू मैं बड़े दिना दी देना चाहती सी, पर ओ अजिंदर दे सामने मेनू अपने गुस्से ते कंट्रोल करना पैंदा सी। आज मेरा बदला पूरा होया। सच दसा आशा, ता तेनू ते तेरी तीनू बेइज्जत करके तेरे जख्मा नू कुरेद के जो मेनू मजा आया ना, ओ मैं तेनू दस नहीं सकती। सरगुन ने साडे व्याह दीआं तैयारियां बहुत धूमधाम नाल कीतीआं ने, इसलिए ओदा आना तां बंदा सी। ते सच्ची दसां, मेरी ना दिली इच्छा सी कि रब तो बाद ना तुहाडी धी साडे व्याह दा पहला कार्ड तुहानू दवे। हरलीन, तेनू सब करके की खुशी मिलती है? बोली जरा, कते तक थोड़ी जी इंसानियत बखा दिया कर। ओहो मेरे फ्यूचर, अभी हमेशा तुहानू मैं ही क्यों गलत लगती हूँ? आंटी जी तुसी दसो, मेरा युवराज दे नाल व्याह किदे कारण हो रहा है? सरगुण दे कारण। इन्हें ही तो साडा व्याह कराने लिए सब कुछ किया है। एदी ढिड विच लड्डू है, ताही तो मैं व्याह वाला लड्डू खान जा रही हूँ। चलते हैं, सानू बहुत काम है करे। सरगुन तू भी ना कर, छेती आ जी। ढेठ बन के बैठी रहेंगी ना सरगुण, सच नहीं दसेंगी ना तू? मैं जो पूछ रही हाँ वो दस, तू अपने हाथी अपना घर झाड़ देंगी, इन्ने चंगे घर वाले नू छड़ देंगी, पर जो सच है वो नहीं दसेंगी, है ना? मैं कुछ पूछ रही हूं सरगुण, ठीक है
फिर मेरे को सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। बच्चे नू उस स्टेज तक सेफ कर सके जब तक उस तू किसी भी तरीके दा कोई कोई खतरा ना होवे या कोई बच्चे नू डगा ना सके। मम्मी जी मैं तुहानू ते युवराज नू दुख नहीं पहुंचाना चाहती सी, तुहाडे दोवां नाल कोई झूठ नहीं बोलना चाहती, मैनू माफ कर दो, मैं मजबूर सी। रोला पुत्र जी भर के रोला, इन्ने दिनों का जड़ा दुख तू अपने दिल च लुकाया सी ओनू अज वग जान दे।
शटी ना दुपड़े यार तू गिण बराबर है कि नहीं भाई जी जे तुसी ये बयान नहीं करवाना चाहते तो क्यों करवा रहे हो पिछली बार तुसी दुनिया की परवाह किते बिना सरगुण भाभी जी की मांग ते संदूर भर के उन्होंने घरे लेके आए सी ओदो तां तुहानूं उह प्यार भी नहीं करदे सी ते हुण तुसीं कुछ भी नहीं कर रहे मैनूं इह गल समझ नहीं आ रही यार शटी आही गल तां मैनूं भी नहीं समझ आ रही जे सरगुण जी मैनूं इन्ना प्यार करदे ने तां मैनूं अपने तों वक्ख हुंदे होए किद्दां वेख सकदे ने इहो जी आखिरकार कीहड़ी मजबूरी है ते शटी जदों तक सरगुण जी अपने मुंह मैनूं सच नहीं दसेंगे ना मैं विआह नहीं तोड़ांगा ओहो भाई जी जे भरजाई जी अपनी मजबूरी नहीं दस रहे जिहड़ी गल सरगुण जी मैनूं अपने मुंह खुद नहीं दस रहे ना ओह गल आपां पता लगावांगे इहो जिहा आइडिया मेरे दिमाग च क्यों नहीं आया ओहो भाई जी क्योंकि भाभी जी दे मामले च तुसीं दिमाग नाल नहीं सिर्फ दिल नाल सोचदे हो हाँ यार शेट्टी है गल तो सही गई खबड़े थू ना होंदा तो मेरा की होना सी अच्छा वैसे गल तू सही कहना जे सरगुण जी ने बाद मेनू कोई समझदा ना तो सिर्फ तू है तू हो भाई जी बाकी गल्ला छड्डो फिलहाल थोनू मेहंदी च आ पाके जाना आ सको बिल्कुल शेट्टी बिल्कुल एदा ही होएगा हुन हरली नू तैयार करने की जिम्मेवारी तेरी है क्या सी ना ते फिर मैं तेन इस घर घूमन फिरन दे लई नहीं लैके आई बल्कि काम करने लई लैके आई सरगुण हुण मेरे तो तेरी यह हालत होर नहीं वेखी जा रही तू मम्मी नूं साफ मना कर दे कि तू हरलीन दे मेहंदी नहीं लगाएंगी रूप दी मैं हरलीन दे हत्था च मेहंदी नहीं सिर्फ रंग लगावांगी क्योंकि युवराज दे नाम दी मेहंदी दा रंग मेरे हत्था च नहीं मेरी किस्मत च चढ़ चुका है नाले तुसी ना ज्यादा काम ना करो अपना ते अपने बच्चे दा ध्यान रखो जल्दी
मम्मी नूं इन्ना खुश मैं बड़े टाइम बाद वेख्या। पिछली बार मम्मी इन्नी खुश रूप दी ते हरमन जीजू दे विआह च सी। इहदा तां मेरे लई विआह तोड़ना होर वी मुश्किल हुंदा जा रिहा। सरगुण जी जे तुसी सिद्धी हो तो मैं भी घट सिद्धी नहीं हाँ। मैं उदों तक यह विआह नहीं तोड़ागा जदों तक तुहाडा सच मैनू पता नहीं लग जांदा। उदों तक मैं भी उही करदा रहांगा जो तुसी मेरे नाल कर रहे हो। पहले ना तेरे कलेजे नूं हुण ठंड, हुण खुश है तू? तू मेरी मेहंदी दा फंक्शन जान के खराब कीता ना, तैनूं पता सी आज मेरी मेहंदी का फंक्शन है, इसे लिए तू मेरे मेहंदी के विच कुछ जान के मिलाया है ना, ये तू की बकवास कर रही है? भला मैं इदा क्यों करांगी? क्योंकि तू मेनू ते युवराज नू नाल देख के सड़ती है। फिर तो सानू नाल वेख्या नहीं जा रहा, की सबूत है फिर तेरे को कि ये सब कुछ मैं किता है? क्योंकि ये मेहंदी तो बीबी जी ने आप अपने हाथों के नाल पीसी सी ते कोली सी। मैं तो सिर्फ मेहंदी नू किचन तो चक के उत्थे तक लेके गई सी। तेरा मतलब की है कहना? तू यह कहना चाहनी है कि मैं अपने पुत्र की मेहंदी खराब कर दी? तो जे मैं अपने पुत्र की मेहंदी खराब करनी होंगी ना तो मैं इन्होंने दोनों के विआह ही क्यों कर दी? पर बीबी जी मैं इदा कदों क्या कि ये सब कुछ तुसी कीता? जिदा थोड़े खिलाफ साढ़े सारे कोल सबूत नहीं हैगा कि ये सब कुछ तुसी कीता, उदे मेरे खिलाफ भी थोड़े कोल कोई सबूत नहीं है कि ये सब कुछ मैं कीता? बस करो ये तमाशा, मैं होर तमाशा नहीं देखना, समझे? मम्मी मैनू लगता है ये सब कुछ ना हरलीन ने आप ही किया होना। रूप तेरी वाकई तबीयत खराब है ना, शायद इसे करके इस तरह कह रही है। एक ही बदतमीजी है, हरलीन भला अपनी मेहंदी क्यों खराब करेगी? बोल। क्योंकि मम्मी जी जिन्ना का मैनू जानती है ना, इस सरगुण को रोकड़न लई इदां दी हरकत कर सकती है।